एफसी एकेडमी। हाय गाइज, वेलकम टू एफसी एकेडमी। सो आज आम स्टार्ट करवा प्रथम आगे परसेंटेज, कहीं परसेंटेज आमर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आम 80% परसेंटेज प्राय तो क्वेश्चन परसेंटेज रिलेटेड थाए, तो आम आज परसेंटेज कवर करवा कहीं आमर जो चैप्टर अच्छी कॉम्पिटिटिव प्रिपेरेशन पाई, तो आम से कॉम्पिटिटिव प्रिपेरेशन पाई परसेंटेज एक वाइटल रोल काम कर। तो के भाया आमर सब चैप्टर प्रायत तो परसेंटेज ही थाए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हो और मतलब किसी भी चैप्टर हो, तो आमर परसेंटेज ही काम आसता है। तो स्टार्ट करिया परसेंटेज रु प्रथमे परसेंटेज। तो परसेंटेज कौन आम सिंपली बेसिक जिनस ही जानवा परसेंटेज केमी का कैलकुलेट हो सही जिनस ही जानवा, तापर आम परसेंटेज प्रॉब्लम आग को करवा एवं बेसिक जिनस किसी जानवा। तो परसेंटेज परसेंटेज तो परसेंटेज कौन परसेंटेज हूँ पर सेंट, तो ये सेंटा हूँ ये सेंटा हूँ 100 जो शहे बोली आम कौचे। तो परसेंटेज परसेंटेज अगर इंग्लिश रे आम कहे पर मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, तो अगर किसी जिनस को आम विथ रेस्पेक्ट टू 100 बोली नौचे 100 विथ रेस्पेक्ट टू 100 कैलकुलेट करूचे, ताहले आम से परसेंटेज अप्लाई करूचे। आम पिला बेले एमती का पढ़चे कि जड़े पिला 500 मार्क रखिला, 500 रु 300 मार्क रखिला, तो 500 रु 300 मार्क रखिला तो सी 100 रु के रखुच्छे सहीटा को आम परसेंटेज बोली कहवा। तो ये ऐकिक धारा जमीक आम कहे यूनिटरी मेथड हम, तो यूनिटरी मतलब मतलब 500 रु रखिला 300, 1 रु रखिला केते, तो 300 डिवाइडेड बाय 500। आम कह 100 रु के रखुच्छे, तो 100 रु के रखुच्छे आम 100 रु कैलकुलेशन करवा, तो 100 रु 300 ये हूँ इंटू 100 करदेबा। तो ये आम जिते कैलकुलेट करे यहाँ कहे आम यूनिटरी मेथड। तो परसेंटेज 100 रु कैलकुलेट किंतु आम कॉम्पिटिटिव लाइन में जेहेतु एडवांस हलानी आमर, तो आम कौन करवा एबे 100 रु तो कैलकुलेट करवा लाइक किंतु आम अलग उपाय फ्राक्शन उपाय हो कि जेकोसी उपाय हो एडवांस मेथड रे करिया केमती करिया आम जान ना परसेंटेज आगे मतलब साइन कौन परसेंटेज साइन हो भाया, तो यार मीनिंग हूँ कौन 1/100 5% 5% मान कौन जेहेतु या परसेंटेज साइन हूँ 1% या बोली ना जाए आम डायरेक्टली या भी आम परसेंटेज भी लिखिपर। तो 1% जदि 1/100 हो 5% के एतिक ही हम, तो एमती का आम जब 10% भी कहचे तो कौन हम 10/100 यही उपाय चलो। तो यही को आम कहे कौन परसेंट रे कैलकुलेट करचे सब जिनस, तो केमी कौन हो देखा आग को जीवा। जदि मु कह 10% 20% 30% मजे रही 25% 25% देन 30% यही भाया चलला, तो मुझे तीन चार एग्जांपल दे दिए तापर आम स्टार्ट करवा केमती का हो। तो 10% को मुझे यही लिखिपारमी 10/100 मतलब यहाँ कैसे हो गोटे जीरो गोटे जीरो गोटाए जीरो गोटाए जीरो कटिगला, तो यहाँ हूँ 1/10 तापर कौन हो 20/100 तो 20 को 5 से 5 रु कटेदेवी तो ये हो 1/5। तो आम जे तीनटा जिनस देवी तो एमती का 25% भी कौन हम 20/25/100 25/100 25 4 100 तो 1/4 तो यही भाया ही फ्राक्शन रे आम कन्वर्ट करे। तो यही तीन टू देखा आम यार गोटे फ्राक्शनल वैल्यू पाचे 10% रो 20% रो 25% रो फ्राक्शनल वैल्यू पाचे। तो ये फ्राक्शनल वैल्यू को आम परसेंटेज रे अप्लाई करी सिंपली कैलकुलेशन करवा। धर जाओ मुझे कह 10% ऑफ 500 रुपीज यही भाया लिखिदे, तो ऑफ रो माने तो जानचे आम कौन इंटू, तो 10% कौन 10% मतलब 10/100 ऑफ रो माने कौन इंटू, तो इंटू ये 500 आसीगला। तो एबे कौन हम यार वैल्यू मुझे 100 को कौन करमी 100 5 जा 5 देन 50
এই ভাবে বাহুছি যদি আমি এই ভাবে ইয়ে হচ্ছে ওল্ড মেথড। ওল্ড মেথড মতলব আমি এই ভাবে করুলে প্রথমে, কিন্তু যদি মু 10% ভ্যালুটা আমি বাহার কলি 1/10, মু যদি ডাইরেক্টলি এই ভ্যালুটা মু পুট করে দেবি এইটি, তো মতে আউ এতে ক্যালকুলেশন করিয়া পাই পড়িওনি, সিম্পলি 10% 1/10 অফ মতলব ইনটু, তো ইয়ে কেতে হিজিবো 500, তো এটি গোটে 80 কাটি দেলে কোন হব 50। তো সিম্পল ক্যালকুলেশন আমি করিয়া, আমি এতে কমপ্লিকেটেড হবানি, সিম্পল ক্যালকুলেশন করিবা, যা ফলরে কি আমার ক্যালকুলেশন টাইম টাইম বেশি বি কনজিউমিং হবনি, আমি করি পারিবা। তো এবে দেখিবা কোন অছি, হ্যাঁ আর গোটে কথা, যদি আমি কৌছে 5%, তো 5% মানে কোন 5/100, তো ইয়াকে যদি ফ্রাকশনাল ভ্যালু বাহার করবি কোন হব লঘিষ্ঠ আকার, যেটাকে আমি পড়িছে ছোট বেলে লঘিষ্ঠ আকার করিয়া, মতলব এটা কাটিকি আমি ছোট করে দেওয়া কেমিটিকা, ধর যা মু কবি 5/100, তো 5 রে ইয়াকে কটাই পারিমি 20, তো ইয়ে কেতে হিজিব আমার 1/20, তো ইয়ে 5% র ভ্যালু আসিগলা আমার কোন 1/20। তো এমিতিকা যদি মু কবি 10% তো পতা আছে 1/10 হব, লেকিন আগর যদি মু কইদেমি 15%, তো 5%টা কেতে আমার হচ্ছে 3 কেতে গুণা, সরি 5% র 3 গুণা হচ্ছে 15% অছি কি না, 5% র 3 গুণা হচ্ছে 15%, তো আমি সেই ভাবে 1/20 র 3 গুণা লিখি দেখবা, তো 1/20 × 3 মতলব ইয়ে 3/20 হয়েছে। তো সিম্পলি আমি কই পারিবা যদি 5% 1/20 হয়ে, তো 15% ইয়ার 3 গুণা হচ্ছে, তো কেতে হবে 3/20, এই ভাবে আমি ক্যালকুলেশন করিবা কেমিকা, 15% অফ 400 এইভাবে দিয়েছি, তো আমি জাঁচে কি 15% হচ্ছে 3/20, তো মু এটি 3/20 লিখিদেবি ইন্টু করেদেবি 400 সহ, তো ইয়ে 20 আসবে ইয়ে 60 আসবে, মানে সিম্পল ক্যালকুলেশন হয়ে, এইভাবে কলে আমি সিম্পল ক্যালকুলেশন হি আসি যাব। তো এইভাবে আমি ক্যালকুলেশন করি, তো মু কোন করিবি ইয়াকু কোন করিবি, যে ফ্রাকশনাল ভ্যালু গুড়াক মু লিখি দিয়েছি, তো ফ্রাকশনাল ভ্যালু গুড়াক আপনারা কোন করবে সেটাকে বারবার প্র্যাকটিস করিবে, তো সেইটারে আমি 50% প্রবলেম সলভ করে দেওয়া। বেসিক জিনিস আগে জাঁয়া, আমি কেভাবে বেসিক জিনিস জাঁকি আমি সবু সবুঠে পরসেঞ্জর সবু জায়গার এপ্লাই করি আমি করে পারিবা সবু জিনিস, হ্যাঁ আউ গোটে কথা ধর যাও মু কবি 10% র ভ্যালুটা হচ্ছে 1/10, 10% র ভ্যালুটা হচ্ছে কোণ 1/10, তো এই যে 10% র ভ্যালুটা মতলব 10 র 10% হচ্ছে 1, ভ্যালুটা হচ্ছে 10 র 10% হচ্ছে 1, আমি এমতি পড়িয়া যাব 10 র 10% হচ্ছে 1, ধর যাও মু কবি 20%, তো 1/5, তো 5 র 20% হচ্ছে 1, সেভাবে যদি মু কবি 1/50, সরি মু কবি 5/50, তো এটা হচ্ছে 10% অফ 5/50, তো এটা হচ্ছে কোণ 5 র 10% হচ্ছে 5, তো ইয়ার ভ্যালুটা 10% করলে আমি 5 পাইবা কেতে 5, এইভাবে হি পড়া যায় আমার পরসেঞ্জ, তো মু লিখি দেছি আমার সেই পরসেঞ্জ কো ফ্রাকশনাল ভ্যালু যেতে সব অছি, তো কেমিতি লিখবা লিখুছি 1 = 100%, দেন 1/2, তো এইটা হচ্ছে কেতে পরসেঞ্জ 50%, ইয়ার অধা হচ্ছে, তো এইটার অধা, তো তারপরে 1/3 33.3%, বা এভাবে বি লিখি পারিবা 33 1/3%, এভাবে হচ্ছে 1/4, তো 25%, এটার ভ্যালুটা হচ্ছে আমি 25% কোণ কইবা 1/4, দেন 1/5 20%, 1/6 এতে হব 16.66%, বা এটা কোণ কইবা 16.2/3%, যেটি 16 ⅔% বি থিব, তো আমি সেইটি বি আমি 1/6 লিখি পারিবা, দেন 1/7, 1/7 কেতে হব আমার 14.28%, দেন 1/8 12.5%, 1/9 কেতে হব আমার 11.11%,
वन बाय टेन तो हमें जानते हैं कितने 10%, देन वन बाय इलेवन 9.09%, देन वन बाय ट्वेल्व 8.33%, बा एटा कौन लिखा 8/3%, देन आमर आसीगला 1/13.69%, 1/14 7.14%, देन तापर 1/8 टा केते सॉरी 1/15 6.6%, देन 1/16 6.25%, 1/17 5.88%, ये है 1/17, ये 1/17 ना कौन है हमारा 5.88%, देन 1/18 5.55%, 1/19 आमर के 5.26%, तो जो भी 5.26% होची सेठी आमर कौन हम ये केमती अप्लाई होची मु या परे कोई भी किंतु आमर 5.26% होची 1/19 देन 1/20 टा होची आमर केते हां 1/20 टा कौन होची आमर 5% देन 1/25 4% 1/30 टा होची 3.33% एतिक काफी अच्छे आमर प्रॉब्लम सॉल्व पई हमें एतिक फ्रैक्शन जदी रिपीटेडली मने रखी दोजे मान पूरा प्रांजल भाव में मुँह में रही हो तो हमें बहुत प्रॉब्लम जो कि फ्रैक्शन रही सॉरी परसेंटेज अच्छे तो हमें ताको कैलकुलेट कर पार तो यहाँ समस्त आपखिदेवे यू मन रखीदे टोटाली देन या देखा केमती कौन हो पूर्वर मुझे कि 25% को ना आम धर जाओ मुझे कहली 4% तो 4% भैल्यूटा आम जाने के 4% भैल्यूटा के जाने आम 1/25 4% भैल्यूटा आम के जाने 1/25 तो आम जदि यार 12% ना तो के भैल्यूटा 4% इंटू 3 तो कत आमर तो यार भी इंटू 3 भैल्यूटा मतलब 1/20 तो ये हो मतलब इंटू हज तो कैसे हम 3/25 ये हम तो आमुक जदि कौन सी जिनसर जब मुझे कह 12% अफ 300 ये तो आम कौन करवा आम डायरेक्टली 12% आमको जना 4% एत तो 12% के 3/25 अफ मतलब अफ्र मानटा हूँ इंटू तो इंटू 300 तो ये कत 12/36 तो आमको मतलब सिंपली करार अच्छे सब जिन सिंपली करार अच्छे तापर कौन तो आपण मैंने कौन करेंगे जोटा मुझे लिखिदेजी फ्राक्शनाल भैल्यू जिते सब परसेंटेज आप दस दसटा जाए काटे केमती का धर जाओ मुझे कहली 1/9 हूँ कैसे 11.11% तो दसटा भैल्यू केमती का काटा तापर मत जना 2/9 तो 2/9 केमती का हम ये यहीटार आम 2 इंटू करुचे मैंने यहीटार भी 2 इंटू करवा राइट लेफ्ट साइड 2 इंटू करुचे मैंने राइट साइड भी 2 इंटू करवा इक्वाल टू अच्छे जेहतु तो 2 इंटू तो यहीटार इंटू कले कौन हम 22.22% ये आसीगला तापर आम मुझ दसटा जाए कही तो ये 3/9 करदे ये भी 3 गुणवा कौन हम 33.33% 4/9 कौन हम 44.4% यहीभिया हम यहाँ कर दस पर्यटन तो सबुति आप दसटा लेखाएं मन रखीदे मतलब रिपीटेडली प्राक्ट करेंगे मन रखीदे मैंने आपको कालकुलेसन में बहुत इजी हम सब कम्पिटेट एक्जाम टाइम कंज्यूमिंग भी बेसी टाइम आपने जहाँफल कि आप बहुत जिनस अति कम समय धरजा मुझे धरजा स्प्लीट मेथड स्प्लीट मतलब भांगिकी सब जिनस केमी का सब जिनस को धरजा मुझे ये अच्छी 31
पॉइंट 11% रो फ्रैक्शनल वैल्यू केते हबो ए भलिया मु लिख देनी 31.11% रो फ्रैक्शनल वैल्यूटा केते हबो तो 31.11% मते जणा छि यदि मु एटा को 20 प्लस 11.11 कर दो छि हेउ छि तो 20 रो मते फ्रैक्शनल वैल्यू जणा छि केते 20% रो एटा परसेंटेज 20% रो 1/5 देन 11 रो 1/9 तो एटा को मु कर देबी कोन 45 9 + 4 तो 9 + 5 तो कौन है 14/45 भर जाऊ कह भी जमीती का 31.11% ऑफ 90 भाया लिखिदे 31.11% ऑफ 90 तो आप क्या करेंगे आप भाया मन मतलब लिखिदे तो कौन हम यार वैल्यूटा बाहर करदे 31.11% रो फ्रैक्शनल वैल्यूटा के जदि आम एटा को सिंपली जो पुराना प्रोसेस रे ओल्ड मेथड कैलकुलेशन करिया तो आम एटा को छाड़ी दे पळे आसीबा एग्जाम रे 11% केते हबा हमको जणा ही पड़ी तो कौन जदि आम एई फ्रैक्शनल वैल्यूटा हमको मने रहइबो सॉरी मने भी न रखंतु आपण कोन करिवे 20% प्लस 11.11% को एड करके सेटा रो फ्रैक्शनल वैल्यूटा बाहर कर देबे तो बाहर कला पर हमको मिलि लागते 14/45 तो मु एटा को लिखि दे परबी 14/45 × 90 तो मते एटी 45 × 2 = 90 = 28 तो यार वैल्यूटा केते बाहरला 28 मु आराम से कर दे पळे आसबे आउ 4-5 जणा आमे स्प्लिट मेथड करिया केमितिका ये तो बेसिक दादा मु नेली हमरो 266.66% एडाउ नेली तो यार फ्रैक्शनल वैल्यू केते हबो मते जणा अछि एटा 200% 200% प्लस 66.66% मते जणा छी 200% 100% जदि हमरो 100% जदि हमरो 1 हो जे तो एथरे 2 गुणले 200% हो जे * 2 करियो 200% 200% हो जे तो 200% हो जे माने हमरो तो इक्वल टू रो लेफ्ट साइड रे जति को गुणीबा राइट साइड रे भी अति सति की गुणीबा तो 1 × 2 तो 200% रो वैल्यू केते हि जीवो 2 आसी जीवो हाँ कि नहीं तो 2 आसीज तो 2 आसिले एटार 200% वैल्यू मुझे लिखिदेली 2 प्लस यार वैल्यूटा मतलब यार वैल्यू आप मन रखापी पड़ो मुझे जीक लिखीदे आपको 30 कि 30 बोले 20 20 वैल्यूटा आप कौन करेंगे मन रखीदे यार वैल्यूटा हूँ 2/3 एवं आम एडिशन करदे एडिशन तो जहाँ अच्छे आमको 2 × 3 = 6 + 2 / 3 यार के 8/3 तो आम यार वैल्यू जिते बेले भी जेकोसी मेथड दौचे आम यार वैल्यूटा निहती काढ़ीदे काढ़ीदेला आमको मिल जाव ये आउ कि धर जाओ मुझे देली आपण को एटी वन पॉइंट टू फाइव परसेंट तो यार वैल्यूटा केमती करेंगे आपण मैंने आगे ट्राए करेंगे तापर मुझे जोटा करदे देखिए तो कमिटी का 75% मुझे यहाँ को एड करदेवि 75% प्लस 6.25% हाँ कि नहीं 76 81 तो एवं कौन करार वैल्यूटा हूँ 3/4 प्लस यार वैल्यूटा आम जानचे 1/16 तो एबे कौन हम एलसीएम नहीं जावा ये 16 हो गला तो ये 12 + 1 = 13/16 इजी कैलकुलेशन एबे यारी बेसिस गोटे प्रॉब्लम नहीं जावा धर जाओ मुझे कह 81.25% ऑफ 400 तो मत मु बाहर कर दीजिए कौन 81% वैल्यूटा कई 13.16% तो 13.16 मत जाना तो 13/16 × 400 तो ये 25 यार वैल्यूटा के 325 यार आंसर हम तो यही भाया आप ट्राए करेंगे निजे स्प्लिट मेथड नहीं कि निजे किसी ट्राए करेंगे तो
ତାପରେ କରିବା ଦେନ୍ ୟାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଯେମିତି ରିପିଟ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେବା ସବୁ ଜିନିଷର ସବୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ତ ଆମର ରିପିଟେଡ଼ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯିବ ଏଣ୍ଡ ଆମେ ସଲ୍ଭ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ କରିବା ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ତାପରେ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲକୁ ଯିବା ୟାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ